यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रहनुमा पीटीआई महमूद रशीद गिरफ्तार हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, रहनुमा पीटीआई मियां महमूद रशीद गिरफ्तार हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और रहनुमा पीटीआई मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्श अमन के खतरे के पेश नज़र गिरफ्तारियां की जा रही थी और ख़ासतौर पर जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो कशीदा सूरत हाल बनी थी, जिस तरीके से जलाओ घेराव किया गया था, और तो इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि जितना भी जलाओ घेराव हुआ है तो जो मरकजी क्यादत है उसकी जानिब से ये अहकाम जारी किए जा रहे थे। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस पर हमसे मजीद बात करेंगे। काशिफ सुलेमान, रहनुमा पीटीआई मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, कौन कौन से चार्ज हैं इनके ऊपर? जी, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मियां महमूद रशीद हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर जो खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है जलाओ घेराव हुआ और खासतौर पर कोर कमांडर हाउस की तरफ जो उसको जलाया गया, इस हवाले से जो सरकारी अमलाक और तनसीबात को आग लगाई गई उसके ऊपर जो है इनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए थे और उन मुकदमात में जो है आज मियां महमूद रशीद को जो है वो गिरफ्तार में कर लिया गया है। तरीके इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के लिए और जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। आज जो सबक वफाकी वजीर हैं हमाद अजहर, उनके सेक्रेटरी को भी जो है वो घर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये सिलसिला जारी है। फुटेजेस को देख के सीसीटीवी कैमरे जो लोगों की निशानदेही हो रही है उनके लिस्टें मुरतब करके तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और इस बार तो मियां महमूद रशीद भी जो है वो गिरफ्तार हो गए। माजी के अंदर तहरीक इंसाफ में कुछ रहनुमाओं में शिकायत पाई जाती थी कि जब गिरफ्तारियों का मामला होता था तो ये घर से गिरफ्तार हो जाते थे, लेकिन इस बार जो है उनकी संगीन मुकदमात के अंदर जो है वो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये जो तनसीबात को आग लगाने के हवाले से जो मुकदमात हैं ये इंतहाई संगीन नौयत के हैं। और इस हवाले से अब ये भी बात की जा रही है कि आया ये खसूसी अदालतों में केस चलाया जाए या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा, तो इस हवाले से भी अब पता लगेगा कि इनके मुकदमात कहां पर सुने जाते हैं। जी अच्छा, कुछ मालूम हो सका कि कहां से गिरफ्तारी अमल में लाई गई इनकी? जी, मसला ये है कि इस वक्त जितने इनके लोग हैं वो अपने फोन बंद कर गए हैं। सिर्फ उन्होंने ये कंफर्म किया है, जब मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा जी मियां महमूद रशीद जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है, और वो रिपोर्ट थे और पुलिस ने इनको अब जो है वो गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, काशिफ सुलेमान।